भाजपा को 25 सीटों के साथ विपक्ष में बैठने का फरमान और 40 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपेगी। ये लोकतंत्र है, लोगों ने बदलाव किया और हमारे को आदेश दिया। हमारे कुछ प्रश्न हैं ठाकुर जयराम जी से। आप ये बार बार हर जगह जाके प्रेस के माध्यम से जो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार 4 तारीख को गिर जाएगी, जब परिणाम आएंगे तो ये बैसाखियों पे है, हम आपसे जानना चाहते हैं आपका यही सम्मान लोकतंत्र के प्रति है? आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? पहला प्रश्न, क्या जो सरकार 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बनाई, क्या आप उनका सम्मान, मतदाताओं का सम्मान नहीं करते? या आप सत्ता के इतने भूखे हैं क्या दोबारा से सत्ता आने के लिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं? जो खरीदो फरोख्त हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहली बार देवभूमि में इस तरह की घटना हुई कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बागी होके जो है अपनी पार्टी को धोखा दिया, अपने लोगों को धोखा दिया, मतदाताओं को, जहां से वो चुन के आए थे, और उसके परिणाम स्वरूप जिस प्रकार का माहौल बना, आज 6 बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, वो खरीदो फरोख्त की सारी जो बातें हुई उसके पीछे क्या आप थे और आपकी पार्टी थी? तो सत्ता हथियाने के लिए 1 साल के अंदर आप इतने डेस्परेट हैं कि आप लोकतंत्र का और लोगों का अपमान करते हैं, और देवभूमि का अपमान हुआ, ये प्रथा जो देश के अंदर खरीदो फरोख्त करने की, ये आपने हिमाचल प्रदेश में लाई, तो ये जवाब आपको देने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता, प्रदेश का मतदाता सबसे जागरूक, वो अच्छी तरह से समझता है कि हमने क्या करना है और इस घटनाक्रम में क्या हुआ और ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, उन 6 लोगों की अपनी क्या महत्वाकांक्षा थी, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आज प्रदेश की जनता को दोबारा चुनाव में जो डाला है, इसका जवाब भी लोगों को, उनको, प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा, और साथ में भाजपा के नेताओं को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपका जो रोल, जो मॉडल था सरकार को गिराने का, धनबल के जरिए इसमें करोड़ों रुपए का जो ये लेन देन हुआ, ये सारी बातें जो है जनता के जहन में है और आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये बातें आपको देखनी चाहिए, आप इसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हो कि चुनी हुई सरकार को गिराना, आप इसको उपलब्धि मान रहे हो, प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हो कि लोग जिनको चुनना चाहते हैं उनकी सरकार नहीं चलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ऐसी भी सरकारें चली जब 36 लोगों से पूरे 5 वर्ष तक चली और विपक्ष के लोगों ने विपक्ष में रह के लोगों की सेवा की, कभी ऐसा माहौल नहीं रहा कि जो सत्ता में लोग हो उनको, सरकार को तोड़ने के लिए। ये पहली बार ये मॉडल जो है भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में लाया और मुझे पूरा यकीन है कि प्रदेश के लोग इस मॉडल को पूरी तरह से फेल करेंगे और इसके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको किसी तरह से नहीं बख्शा। ये जनता का मूड है जो आज तक हमारे पास फीडबैक है चुनाव का। जहां तक सवाल है ठाकुर जयराम जी को, कई बार मैं देख रहा हूं कई दिनों से बड़े प्रश्न कर रहे हैं उनको, एक प्रश्न हमारा ये भी है, क्या हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने ओपीएस अपने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को दिया? क्या जयराम जी इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि नहीं मिल रहा है या ओपीएस लागू नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? क्या इस बात को वो मना कर सकते हैं या वो एक्सेप्ट करें कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस मिल रहा है? लाखों कर्मचारी आपके समय में 3 साल तक सड़कों में प्रदर्शन करते थे, विधानसभा का घेराव धर्मशाला में भी और शिमला में लाखों कर्मचारियों ने किया, तब आपने उनको कोई टाइम नहीं दिया, मिलने का नहीं दिया, उनकी समस्या को नहीं सुना। हमारी पार्टी ने प्रॉमिस किया और सरकार ने पहली कैबिनेट में उस फैसले को अमल किया और आज लोगों को जो है पुरानी पेंशन के तहत पेंशन मिल रही है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, अपना और अपनी पार्टी का जो आपका ओपीएस पे जो स्टैंड है वो क्लियर करें प्रदेश के सामने कि आप ओपीएस का विरोध करते हैं या आप इसका समर्थन करते हैं, या ओपीएस हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अपनी और अपनी पार्टी की स्थिति इस मुद्दे पे जो है मुझे लगता है जयराम जी को स्पष्ट करनी चाहिए। सर उनका ये भी कहना है राज्यसभा की हार के बाद जो है कांग्रेस की परिस्थिति जो प्रदेश में बदल चुकी है,
देखिए राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, स्वाभाविक तौर पे आप समझते हैं कि लोग ग्राम पंचायत का प्रधान भी बनना चाहते हैं, वो भी कितने मुश्किल से बनते हैं। अगर विधायक बने हैं, पार्टी ने आपको टिकट दिया, पार्टी ने आपके पीछे ताकत लगाई, कार्यकर्ताओं ने आपका काम किया और आप जिस क्षेत्र से चुन के आए वहाँ के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपने उन सब बातों को जिस प्रकार से इन विधायकों ने लोगों का विश्वास तोड़ा, मुख्यमंत्री जी को विश्वासघात किया, साथ डिनर में साथ चलते रहे, 14 महीना अपना काम कराते रहे, उसमें कुछ इंडिपेंडेंट विधायक भी थे जो पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी से अपने इलाके के क्षेत्र के काम कराते रहे। लेकिन आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इन्होंने धोखा दिया, और उसके पीछे क्या कारण रहा मैंने अभी बताया कि वो मॉडल था कि किस प्रकार जो है चुनी हुई सरकार को गिराना था, उसमें धनबल का सबसे बड़ा उपयोग हुआ। ये बातें आई भी है सामने और अभी इन्वेस्टिगेशन है, केस चल रहा है। फिलहाल ये सारी चीजें जनता की अदालत में चली गई और जनता जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश का देवभूमि का नाम खराब किया इन लोगों ने, उसका जवाब जनता इनसे जरूर लेगी। अब इसके पीछे भाजपा के कौन लोग थे और ये किस प्रकार की सोच थी कि सरकार को चुनी हुई जो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं द्वारा चुनी गई और जिस सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी 14 महीने के अंदर जिस प्रकार से अपने लोगों के बीच काम किए, जो वादे किए तो उनको आगे बढ़ाया 5 गारंटियों के थ्रू, जिसमें हमने कहा OPS को लागू किया जो बहुत मुश्किल काम था, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी, जयराम जी का जो मॉडल था 5 साल तक केवल लोन लेके डबल इंजन की सरकार को चलाने का, आप समझे कि खजाना खाली था और लोन लेके सारी लाइबिलिटीज, चाहे आप बात करें 6th Pay Commission की थी या OPS अपने पेंशनर्स की थी, सरकारी कर्मचारियों की थी 12,000 करोड़ रुपए की, 76,000 करोड़ रुपए का लोन था। इस हालात में तो आप प्रदेश को छोड़ गए थे, उसके बावजूद हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने आपदा के दौरान जो काम किया और उसके लिए जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लोगों ने सराहना की, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। इन्हीं के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी थे, उन्होंने इस बात को लेकर तारीफ की। उसके अलावा बहुत सारे वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स थे, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, इन सभी लोगों ने जो है आपदा के दौरान प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा और उनकी टीम द्वारा जो काम किया गया उसके लिए सराहना की। लेकिन आप विपक्ष के नेता थे, आप बताएं कि आप आपदा के समय आप और आपकी टीम कहाँ है। जब आपने स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाया, वहां पे एक प्रस्ताव लाया गया कि हमको भारत सरकार के लिए असेंबली में एक प्रस्ताव डाला है कि हमको जो है आपदा राहत राज्य घोषित किया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। लेकिन आप उस प्रस्ताव के साथ विधानसभा के अंदर नजर नहीं आए, आपने उस प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। वो आपदा हिमाचल प्रदेश के लोगों पे थी तो आपने लोगों का साथ नहीं दिया, इसका जवाब भी आपको प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि सेशन के अंदर आपका क्या स्टैंड था, या आपके चुने हुए लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा में थे चाहे राज्यसभा में थे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा इन चुनाव में कि आपदा के समय क्या आप लोगों ने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, प्रदेश के लिए कुछ मांगा, या आप प्रधानमंत्री जी से मिले, क्या आप लोगों ने स्टेट्स गवर्नमेंट को ये लिखा कि हम इस आपदा के समय में आपके साथ खड़े हैं, आप जो चाहेंगे हम आपके साथ दिल्ली जाएंगे और प्रदेश के लोगों के लिए जो राहत मिलनी चाहिए उसके साथ के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ खड़े। नहीं, आप कहीं भी नजर नहीं आए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिसके जवाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोगों को, सबको, जनता को देना पड़ेगा कि आप 9,900 करोड़ रुपए की सारी हमारी गवर्नमेंट ने आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियां थी, लोगों के अपने प्रॉपर्टीज थी, घर बहे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ प्रदेश के अंदर, उसकी पूरी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। तो आपने क्या काम किया, क्या हमको उसके एवज में कोई पैसा मिला, कोई राहत मिली भारत सरकार से? ये सारे चीजें मैं समझता हूँ बहुत बड़े मुद्दा इन चुनाव में होने वाला है, लोग इनसे इस बारे में प्रश्न करेंगे कि इन क्यों नहीं मिली। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरा बड़ा लगाव हिमाचल प्रदेश से है, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि जब हम सबसे बुरे संकट में गुजर रहे थे प्रदेशवासी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी क्या मदद की।
ये बड़े प्रश्न है जो लोगों के जहन में है। हमारी सरकार ने 15 महीने में जो फैसले किए किसानों के लिए, बागवानों के लिए और 5 गारंटियों के तौर पे, वो ये सारे मुद्दे जो हैं इलेक्शन के मुद्दे होने वाले हैं। आप मुद्दों को बंगलाना चाहेंगे भाजपा के लोग, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेशवासी और मतदाता जो है बहुत जागरूक है, वो एक स्थिर सरकार चाहते हैं। जो हमारी सरकार है, हमारे पास बहुमत है, आगे इसमें और नंबर जोड़ेंगे, 6 की 6 असेंबली जो हम लड़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। लोकसभा में अभी हमारे 2 टिकट अनाउंस हुए हैं, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगले 2 टिकट अनाउंस होने वाले हैं, वहां भी है माहौल हिमाचल प्रदेश में, निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस के फेवर।